हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने दीपावली के लिए, और बस छोटा सा ही है। सभी को पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके घर में सुख समृद्धि और संपूर्णता बनी रहे, आपके घर में खुशहाल रहे, घर में परिस्थिति में। और यहाँ से अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं फ़ोटो का, थोड़ा मुझे लगा लंबा टाइम लग गया। मैंने यहाँ पे पूजा हो गई हमारे, फिनिश। ये हमारा मंदिर है, कितना सुंदर सजा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो पूजा हमने कर ली, ख़त्म हो रहा। हम पहुँच गए हैं पटाखे फोड़ने के लिए। मैंने पटाखे नहीं फोड़े, मेरे को अच्छे नहीं लगते पटाखे वटाखे फोड़ना। तो मेरी देवरा देवरानी सब वगैरह पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, और मैं केवल देख रही हूँ। देखते देखते मेरी चुन्नी में जल गई है बिल्कुल, फिर पटाखा आके लगा, मेरी चुन्नी जल चुकी है यहाँ पे। तो बस कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, वो झेलना पड़ता है हमें। वायु पॉल्यूशन तो होता ही होता है, पर सब इंजॉय भी करते हैं बहुत। फिर मैं दोबारा आई मंदिर में देखने के लिए, थोड़ा सा अच्छा सा मन कर रहा था कि दोबारा मैं जाऊँ मंदिर में, फिर दोबारा फिर मैं वो। तो पूरी तरह से तैयारी है इसमें, आप देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरी वीडियो रिपीट हो गई है। आप देखो घर कितने सुंदर सजे, दीपावली के दिन बहुत ही सुंदर लगता है सब, मतलब एकदम सो चारों तरफ जगमगाहट, रोशनी ही रोशनी, कितना सुंदर लगता है। और यहाँ पे रुई बहुत डर रही है पटाखे की वजह से। अब यहाँ पे हम लेके आए हैं ये वाले पटाखे हैं, अरे ये वो वाली है कैंडल है जो ऊपर उड़ती है, जिसको हम सोते हैं गाल चोड़ रखी ऊपर, पर ये क्या हुआ, ये सही से जली नहीं, सारी खराब हो गई है ये। मतलब पूरी तरह से कोशिश करी इसे जलाने की, वैसे मतलब उड़ जाए इसमें हवा भरी जाए, पर ये मोहित भैया बहुत कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने की, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें। और ये आप देखोगे थोड़ी देर में जल जाएगी, जल के ये फेंक देंगे इसे, क्योंकि पूरी तरह से अंदर से जल जाता है साइड से, ये टेढ़ा होने की वजह से, किसी को जलाना नहीं आ, उड़ानी नहीं आ रही है ये। तो कहीं ना कहीं वही कुछ ना कुछ चूक हो रही है भैया, लगे पड़े हैं ना भैया, कैसे होएगा, ये उड़ने वाली नहीं है। और कुछ बच्चे आए तो कुछ ये भी बोल के चले गए, भैया फट जाएगी फट जाएगा ये। अब मुझे भी डर लगा था शायद फटी ना जाए, तो बस ये नहीं उड़ा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरा हो गया ब्लॉग ख़त्म। तो बाय बाय।